फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमतार टेक्नोलॉजीज के बारे में। यहाँ पे दो तीन अपडेट है, उसको तो मैं प्रेजेंट करूंगा ही इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ कल सोमवार को क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, और शॉर्ट टर्म में यहाँ से अगर आप बाइंग करते हो तो कैसे लेवल देखने को मिल सकते हैं, उन दोनों के बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, कैसी सिचुएशन रही थी फ्राइडे को, वो जानना जरूरी है। तो मैंने इसके लिए आपको गूगल पे लेके आया हूँ। 993.90 रुपये पे क्लोजिंग हुई थी। जैसे कि आपको पता हो कि फ्राइडे को मार्केट रिबाउंड किया था, उसके साथ साथ एमतार टेक्नोलॉजीज में भी यहाँ पे खरीदारी लोड करके आई थी। 53 रुपये ऊपर जा करके बंद हुआ था। 6% की बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। तो क्लोजिंग बेसिस पे बहुत बढ़िया पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा था। यहाँ पे कारोबार के ऊपर नज़र कर लेंगे कि तेज़ी निकल करके आई तो कितनी डिलीवरी उठी है। एमतार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड NSE की वेबसाइट पे 973.90 रुपये पे क्लोजिंग, 53 रुपये ऊपर, 6% के आसपास की तेज़ी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 920.70 रुपये ओपन होते हैं 910 रुपये के आसपास। हाई बढ़िया बनाया 977.95 रुपये का, लो 860 रुपये का। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 969.45 रुपये, लगभग हाई के पास क्लोजिंग देखने को मिली है। कारोबार देखें 20,07,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें 3,62,000 शेयर की डिलीवरी, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें 18% के आसपास है। तो यहाँ पे डिलीवरी ठीक ठाक डिसेंट हमें देखने को मिल रही है। मैं कुछ फैक्ट है जो आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने, यहाँ पे जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है उसने यहाँ पे 1000 या तो फिर 1100 के आसपास ऊपर के लेवल में बाइंग करी है। तो अभी जैसे कि आपको पता होगा कि जिस दिन लिस्टिंग थी वहाँ से गिरावट का सिलसिला इसमें जारी रहा है। तो ऊपर जो फंस चुके हैं वो लोग जब अभी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर ही कुछ बातें करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको स्टॉकएक्स की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे 17 तारीख को एक बड़ी खबर निकल करके आई थी, 17 मार्च 2021 को। यहाँ पे एमतार टेक्नोलॉजीज को एक ऑर्डर रिसीव हुआ था, मतलब कि उसने एक ऑर्डर जीता था जो कि उसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइस है 12.77 मिलियन USD। तो उसका रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 93 करोड़ के आसपास का उसको ऑर्डर मिला था एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर गुड्स को करने के लिए। तो अच्छी खबर निकल करके आई थी। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा जो शायद आपको ना पता हो, कि जब यहाँ पे IPO भरा गया था तो इसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे माल लेकर के रखा है। एक्सिस मॉल के फंड की बात करें 44,04,444 क्वांटिटी है। माल देखें तो लगभग 24.11 करोड़ रुपये का माल है। SBI मॉल के फंड के पास भी इसमें हिस्सेदारी है, 44,00,444 शेयर, लगभग 24 करोड़ रुपये की होल्डिंग। यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा फंड के पास भी माल है, 4,25,926 शेयर, लगभग 23 करोड़ का माल वो भी लेकर के बैठे हैं। SBI मैग्नम ग्लोबल फंड के पास 4,25,926 शेयर, यहाँ पे 23 करोड़ के आसपास का माल। एक्सिस चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के पास यहाँ पे देखें तो 98,148 शेयर है उसके पास, 5.32 करोड़ का माल। और एक्सिस रेगुलर सेवर फंड के पास 12,963 शेयर है, लगभग 0.70 करोड़ का यहाँ पे माल लेकर के वो बैठे। तो दोस्तों, ये सब फंड का यहाँ पे जो विश्वास है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे शेयर अच्छा नहीं होगा, नीचे गिर जाएगा। अपने आप में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली यहाँ पे कंपनी है, इसके चलते ही यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन जो था वो बम्पर देखने को मिला था। सीधा चार्ट पे लेके जाके यहाँ पे आपको लेवल टारगेट डिस्कशन करना चाहूँगा इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। देखें दोस्तों, उसकी क्लोजिंग 973 रुपये के आसपास ही है। मुझे लगता है अगर थोड़ा नीचे आपको मिल जाता है 950 के आसपास, तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। SL 945 के आसपास है, अगर आप करंट मार्केट प्राइस में भी बाई करते हो तो 945 का SL रखना है। आपको इंट्राडे में टारगेट 1000 से लेके 1035 तक मिल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म आप यहाँ पे एकाधिक इसको पकड़ करके रखते हो तो 1065 तक के फिर से आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 945 का लेवल तोड़ता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो इंट्राडे में 920 तक के टारगेट के लिए। मुझे हाल फिलहाल में इससे ज़्यादा और गिरावट नहीं नज़र आती एमतार में। तो अगर आपने माल लेकर के रखा है ऊपर के लेवल में ही, चाहे क्यों ना लेकर के रखा हो, फिर भी मैं आपको होल्ड करने की ही सलाह दूंगा। यहाँ पे RSI का लेवल 66.11, तो RSI का लेवल भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग
यहाँ पे देखने को मिला है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैं चाहूँगा इस लेवल को आप वॉच आउट करिए, अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए पोजीशन बनाने का। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करेगा तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें उनको जगह दी जाएगी। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।